छत्तीसगढ़ में क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ या छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। तो छत्तीसगढ़ यहाँ भी चीजे में है छत्तीस से चलते आ रहे करीब 700-800 किलोमीटर की यात्रा का प्यार। मैं भी छत्तीसगढ़ से ही आया हूँ और ये भी भैया ब्याह थी। जब ब्याह से आए को जोश में उत्साह में श्री राम की जो जन्मभूमि आगे के लिए कोई चल रहा। अभी हमारे साथ छत्तीसगढ़ के छिपे दिवोन इन सब भी जानेंगे। पहले आप ये हम बताएंगे पिंटू नारंगे, पिंटू नारंगे कहाँ से चले हो? छत्तीसगढ़ बुलौदा बाजार। बलौदा बाजार का ये युवक है, आप हमारे जो भी दर्शक देख रहे हो बलौदा बाजार का युवक है। और मैं रायपुर से हूँ और मुझे ये बुला है अयोध्या में, श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में। दोस्त यार ये बताओ कि तुमको ये महसूस कैसे बन गई कि वहाँ पे जानो है? मतलब दिसंबर में सर चलिए प्लानिंग के लिए हम पैदल जाएंगे, नहीं जाएंगे ऐसा कर। तो कौन कौन आए हो? मैं अकेले ही आया हूँ अपने एरिया से, मतलब और शादी थी मैंने साइकिल वगैरह में थी रूप आ रही है। मतलब कितने किलोमीटर थी? 7-7.5 तो कैसे कितने किलोमीटर चलते थे? पहले तो हम मतलब 20-35 चलते थे। कैसी दिनचर्या कैसी रहती जो है? दिनचर्या में पिक हाँ रहती थी, लोग मदद वगैरह करते थे, है ना, खाने वगैरह को देते थे, रहने वगैरह को देते थे। मतलब शाम होती हम किसको चाहे हो रास्ते में लोग बहुत मदद थी हमारे, होटल वगैरह में या फिर आकर वगैरह भी रहते थे। मतलब रैन वगैरह वगैरह हो गया, पहले तो हम इसलिए थे जहाँ रात होता वहाँ पता करती ऐसा कुछ रहती साधन वगैरह। आने का खर्ची हो? आने में कोई रिंच मतलब चाह मिला खाया चार यही मिला ये जी तो बोल दे रहा है खाना भी खिला देते हैं और उसके बाद फैंसी कर देते हैं ताकि, क्योंकि ये पैदल चल रहे थे व्यवस्था है इनकी, पैदल चल रहे थे लोग पैद भी कर देते थे कि रास्ते में पैदल तो खा ले। एक मैसेज लेके पैदल यात्रा तो है ही, तो राम जन्म के लिए लोग खाए ही है, लेकिन एक मैसेज भी ये लोग दे रहे हैं। दोनों युवा है और मैसेज देने के लिए अपने अलग फरीके होते हैं। ये मैसेज दे रहे हैं